इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स पे काम करते हैं। देखो, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये न्यूटन का कॉन्सेप्ट है अगेन। अब आपने एक चीज नोट की होगी, आप जब किसी ट्रेन में जा रहे हैं, आप शताब्दी में बैठ गए, आप बैठे, आपको ना वो चाय पानी सर्व नहीं करेगा, स्टार्ट होते ही कहेगा 15 मिनट रुको तब सर्व होगा। वो इसलिए नहीं कि उनको तैयारी करनी है, तैयारी तो पहले ही पड़ी होती है उनके पास। ट्रेन को कांस्टेंट वेलोसिटी पे आने दो। चलो ये तो छोड़ो, छोटा एग्जांपल है, पता नहीं लगता, एरोप्लेन की बात करो। एरोप्लेन में तो जब टेक ऑफ या जब वो रनवे पे आएगा तो फिर तो उठने भी नहीं देते, बेल्टे लगा लो, चुप करके बैठ जाओ। हर बंदा बैठ जाता है उस पर, क्योंकि एक्सेलरेशन में होता है वो, स्पीड रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन, बहुत तेज और बहुत स्पीड इंक्रीज करता है बहुत जल्दी। लेकिन जब हवा में आ जाता है तो वो कांस्टेंट स्पीड में चल पड़ता है, वो पायलट जो ऑटो मोड पे चला देता है उसको अपने आप ही कांस्टेंट 800 की स्पीड में चलता जाएगा, एक झटका नहीं लगता। वो बात अलग है अगर कोई बादल हवा चल पड़े, बात अलग है अगर ना चले, ये नहीं पता लगता प्लेन उड़ भी रहे या प्लेन नहीं भी उड़ रहा, आपको यही फीलिंग आती है आप क्लास में बैठे हो, ऐसे ही है। फिर आप चाय रखो, पानी रखो, आराम से वहां ट्रे पे पड़ा हुआ, गिरता भी नहीं, कुछ नहीं होता। तीसरा एग्जाम्पल, आप गाड़ी में बैठ जाओ अपनी, आपकी अगर गाड़ी एक्सलरेट कर रही है, देखो आप पानी पी नहीं पाओगे, गिरेगा, कांस्टेंट स्पीड पे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाय का कप लेके बैठ जाओ गाड़ी के अंदर, गाड़ी एक्सलेट कर रही है, देखो आप कपड़ों पे चाय गिर जाएगी, गिरेगी गिरेगी, या ब्रेक लगेगी, आगे पीछे हो जाएगी, कांस्टेंट स्पीड पे कुछ नहीं होगा। अब क्या चक्कर है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट की रस्सी है और शीशे की बनी, ग्लास की बनी हुई लिफ्ट है। एक बंदा ग्राउंड पे है, एक लिफ्ट के अंदर बैठा है। लिफ्ट नीचे आ रही है, आते आते लिफ्ट की रस्सी टूट गई और लिफ्ट अब फ्री फॉल में आ गई, और साथ में क्या लगा हुआ है, यहां पर एक लैंप लगा हुआ है, लैंप लगा हुआ है, अंदर बंदा भी फंसा हुआ है, सब नीचे गिर रहे हैं विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक बंदा नीचे ग्राउंड पे खड़ा देख रहा है। तो आपने फोन घुमा के इससे पूछा, भाई क्या हाल है तेरा? वो कहता है जी हाल तो ठीक है। मैंने कहा लैंप का क्या हाल है? वो कहता है लैंप तो रेस्ट पे है। लैंप रेस्ट पे है? वो कैसे? वो कह रहे देखो मैं मूव कर रहा हूँ विद जी, लिफ्ट गिर रही है विद जी, लैंप भी मूव कर रहा है विद जी, तो रिलेटिव मोशन क्या है? जीरो। हम सब एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो कहता है कि लैंप रेस्ट पे है। फिर मैंने फोन इसको घुमाया, तेरे को क्या लग रहा है? वो कहता है लैंप रेस्ट पे, कौन कह रहा है? लैंप गिर रहा है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। देखो दोनों के आंसर में ड्रास्टिक आंसर में चेंज है, जबरदस्त चेंज है, कोई कहता है जी, कोई कहता है जीरो। अगर मैं ये सिचुएशन ना देखूं तो मैं तो समझ ही ना पाऊं कि कौन, मैं तो समझूं कि एक एक ठीक बोल रहा है, एक गलत बोल रहा है, लेकिन दोनों बोल तो अपने पे सही रहे हैं। अच्छा आप किस पे बैठे हुए हो? एट रेस्ट, आप रेस्ट पे हो। ओके मैं यहां से जाता हूं और मैं ना आपको अपने सन के ऊपर, सन के आसपास देखता हूं, तो रेस्ट पूरी अर्थ घूम रही है, आप कहां से रेस्ट पे हुए? और जब मैं सन पे खड़ा हूं तो किसी और गैलेक्सी वाला बंदा मुझे कह रहा है यार तू तो पूरी गैलेक्सी के साथ घूम रहा है, तो फिर तू कैसे रेस्ट पे है? अब वो गैलेक्सी वाला रेस्ट पे है और हमें घूमता हुआ देख रहा है, जब उसको पूछा तू किस पे है, वो कहता रेस्ट पे। तीसरी गैलेक्सी वाला कहता है तू कैसे भी, तू तो मूव कर रहा है। यानी कि दुनिया में कोई भी स्टेशनरी है ही नहीं, हर कोई मूव कर रहा है। लेकिन आप पॉइंट देख रहे हो, सबके आंसर डिफर कर रहे हैं, और डिफर कैसे कर रहे हैं, आप किस नजरिए से देख रहे हो, आपका रेफरेंस क्या है। हाँ तो वो तो सदा है ही है, तो ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया ना, तो आंसर तो कोई निकल नहीं पाएगा, कोई मानेगा ही नहीं कि मैं रेस्ट पे हूं। कोई चलती कार में बोल रहा है मैं रेस्ट पे हूं, और कोई बैठे बैठे भी मैंने प्रूव कर दिया आप रेस्ट पे नहीं हो। ठीक, तो फिक्स्ड आंसर कैसे लेके आओगे? अब न्यूटन ने ये कहा कि भाई देखो ऐसे तो फैसला नहीं हो पाएगा कौन रेस्ट पे कौन, हर कोई अपना अपना आंसर देगा। तो फैसला ये करते हैं, हम यहां पर अगर अर्थ पे हैं, हमारे लिए हम अर्थ के ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं, हम चांद या सितारों पे जाके न्यूमेरिकल नहीं करते, हम अपने यहां बैठे हैं, हमारे लिए अर्थ स्टेशनरी है, तो हम लास्ट पॉइंट अर्थ को मानते हैं रेस्ट। हालांकि अर्थ भी रेस्ट पे नहीं है, पर हमें कहीं तो रुकना पड़ेगा, तो अर्थ हमारे लिए इस फिजिक्स में रेस्ट पे है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर अर्थ के ऊपर भी आप इन दो बंदों से पूछो कौन सही कौन गलत, तो दोनों सही है, प्रॉब्लम तो है ही नहीं कहीं पर भी। तो अगर मान लो क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, आंसर देना है कि ये रेस्ट पे है कि नहीं लैंप, अब किसकी सुनोगे, इसकी कि इसकी? तो फिजिक्स कहती है अगर आपको कुछ नहीं पता और रेफरेंस पॉइंट नहीं गिवन, तो आप अर्थ ही लोगे, आप इसका आंसर सही मानोगे। गलत नहीं है ये, पर हमें एक फिक्स्ड
कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा, तो हम अपने आंसर्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही देंगे विच इज सपोज टू बी एट रेस्ट। ये बात समझ में आई? तो ये फैसला हो गया, सारे आंसर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होंगे। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब इसके अंदर क्योंकि दो आंसर्स में डिफरेंस है, और इस बात को आगे एक्सटेंड करते हुए उसने कहा कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, जो टॉपिक का नाम भी है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहला फ्रेम है जिसको बोलते हैं इनर्शियल, और दूसरा फ्रेम है जिसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल। ये फ्रेम किसे बोलते हैं? फ्रेम का मतलब होता है कि आप अपना आंसर विद रिस्पेक्ट टू क्या दे रहे हैं। जैसे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दे रहे हैं तो हम बोलेंगे अर्थ का फ्रेम है। अगर किसी ट्रेन में बैठ के दे रहे हैं तो ट्रेन का फ्रेम है। ट्रेन का फ्रेम मतलब विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, आप ट्रेन में बैठ के आंसर दे रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू अगर फ्रेम जो है, अगर जो फ्रेम है वो लिफ्ट है, तो मतलब आप लिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दे रहे हैं, तो इसे हम फ्रेम बोलेंगे। अब मैं बार बार थोड़ा बोलूंगा कि ट्रेन, कार, एरोप्लेन, लिफ्ट, अर्थ, फ्रेम। फ्रेम क्या फ्रेम है उस पर डिपेंड करता है आपका आंसर क्या होगा। तो फ्रेम वर्ड समझ में आ रहा है कहां फिट होता है। अब बात करते हैं इनर्शियल नॉन इनर्शियल की। इनर्शियल नॉन इनर्शियल को समझने के लिए एक सिंपल डेफिनेशन समझाता हूं। अगर कोई भी फ्रेम, अब फ्रेम का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे लिफ्ट हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, कार हो सकती है, कुछ भी, मान लो ट्रेन है या कोई भी एक बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी लिफ्ट या कार या ट्रेन या एरोप्लेन कुछ भी रेस्ट पे है, तो उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी? जीरो। जीरो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कार, ट्रेन या प्लेन कुछ भी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तो उसका मतलब उसकी एक्सीलरेशन फिर से क्या होगी? जीरो। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि वो फ्रेम क्या है? इनर्शियल। तो इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम्स हैं जो एक्सीलरेशन जिनमें क्या होती है? जीरो। तो अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो क्या फ्रेम है? इनर्शियल। एरोप्लेन रेस्ट पे है तो क्या है? इनर्शियल। एरोप्लेन 800 किलोमीटर पर आर से उड़ता जा रहा है और स्पीड चेंज नहीं कर रहा तो क्या फ्रेम है? इनर्शियल। बस अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इनर्शियल है। और अगर कोई भी कार, ट्रेन, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, तो कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। तो आज के बाद जब कार में ड्राइव करोगे ना, और फिजिक्स में घर में किसी को फिजिक्स आती हो, थोड़ा स्टाइल भी मार सकते हो, अच्छा इनर्शियल फ्रेम हो गया आपकी कार, बोल सकते हो अच्छा एक्सेलरेशन हो रही है, सिंपल नहीं, इनर्शियल हो गया। और अब अच्छा अच्छा नॉन इनर्शियल हो गया, अब समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन हो गई तो नॉन इनर्शियल हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गई इनर्शियल हो गया, है कि नहीं? वैसे इस बात को सिंपल तरीके से बोला जा सकता था ना, एक्सेलरेशन जीरो या नॉन जीरो, बात खत्म। इतनी सी बात नहीं, इतनी बात है नहीं ना, कुछ तो बात है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो सिंपल लैंग्वेज समझ में आया, ओके ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इनर्शियल नॉन इनर्शियल के। एग्जांपल ये है, अगर आप सपोज करो एक ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे रात को बैठे और 12 घंटे की ट्रेन है, बस्ता रखा आपने अपना साइड पे, लोग नॉर्मल कर देते हैं बस में सो जाते हैं, ट्रेन में तो नॉर्मल ही है, साथ में बस्ता रखा, सो गए बैठे बैठे, और अब जब सुबह उठे देखते हैं बस्ता गायब है, नहीं चोर ने नहीं लिया, बस वो सामने जाके मिलेगा आपको। ट्रेन अगर आगे एक्सीलरेट तो करेगी ना, तो बस खिसक खिसक के बस के अंदर, ट्रेन के अंदर देखा है आपने, खिसक खिसक के खिसक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। क्यों? कोई जाके उसको धक्का मारता है? नहीं। और तब भी अपने आपके सामने खिसक रहा होता है, कैसे भाई? क्योंकि लॉजिक तो ये बोलता है कोई जाके धक्का मारेगा तो ही कोई चीज खिसकेगी, पर यहाँ बिना टच किए ही वो चीज खिसक गई, तो पॉइंट है यहाँ पे। तो ऐसा कब होता है ये भी सुन लो, ऐसा तब होता है जब आपकी ट्रेन या कार क्या करती है? एक्सेलरेट। छोटा एग्जांपल लूं, चाय का कप हाथ में ले लेना या पानी ग्लास का ले लेना, कार को तेज एक्सेलरेट करवाना, रेस दबाना, ड्राइवर को कह रहा तेज एक्सेलरेट कर, देखो पानी आपके ऊपर गिरा है। क्यों? आपने हाथ हिलाया था? नहीं। आप किसी कंटेनर में रख दें, फिक्स कर दें, तो भी पानी गिरेगा। क्यों? कैसे भाई? झटके लगते हैं, आप खुद आगे पीछे हो जाते हैं, झटके लगते हैं। क्यों? धक्का मारता है कोई? नहीं मारता। और ऐसा तभी होता है जब एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे ऐसा कुछ नहीं होता, रेस्ट पे बैठे हो आराम से, कोई झटका नहीं लग रहा, राइट? क्लियर है? तो मैं एग्जांपल लेता हूं, ये सपोज एक ट्रेन है, तो ये फ्रेम एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर एक ब्लॉक है, 1 किलो का ब्लॉक है,
और किसी ने इसके ऊपर फोर्स लगाई 20 न्यूटन, अंदर गया उस 20 में फोर्स लगाई, और क्वेश्चन है कि इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन बताओ क्या होगी, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो ठीक है न्यूटन का लॉ क्या कहता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी एक्ट कर रही है 20, और मास कितना है 1 इनटू एक्सेलरेशन कितनी है a डैश, a डैश आंसर आ गया, डन, बिल्कुल सही, न्यूटन से चेक करवाई कॉपी, न्यूटन कहता है बिल्कुल ठीक, आंसर सही है। फिर आपने क्या कहा, आपने कहा जी दूसरा केस, ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट लेता हूं, ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि कांस्टेंट के साथ मूव कर रही है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो ये फ्रेम क्या था, इनर्शियल, ये फ्रेम भी क्या है, इनर्शियल, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, राइट। तो किसी ने कहा चलती ट्रेन में कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रेन चल रही है, बताओ अगर अंदर कोई 20 न्यूटन की फोर्स लगाए 2 kg 1 kg ब्लॉक के ऊपर, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, आप लगाएं फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आंसर करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर। तीसरा, ट्रेन क्या कर रही है, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट, तो फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल। अब किसी ने कहा 20 न्यूटन की फोर्स है, 1 केजी का ब्लॉक है, एक्सेलरेशन बताएं, तो आपने भी क्या किया, आपके पास था ही क्या, न्यूटन का लॉ, तो न्यूटन ने तो बताया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आंसर क्या आया, रॉन्ग, नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि आप खुद सोचें, नहीं नॉन इनर्शियल तो बड़ी बड़ी बातें हैं, सिंपल सी चीज, अगर मैं यहां फोर्स ना भी लगाता ना, छोड़ देता, तो 1 kg का ब्लॉक खिसक खिसक के पीछे आ जाता, यानी कि कहीं तो कोई फोर्स लग रही है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, और वो फोर्स का रीजन पता है क्या है, इनर्शिया, वो याद है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, छोटी क्लास में सिखाया जाता है कि झटका आगे क्यों लगता है जब बस एकदम रुक जाती है, तो आप बोलते हो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट पे आ जाता है जब ब्रेक लगती है, अपर पार्ट अभी मोशन में होता है, हम आगे गिरते हैं, और जब वो चलती है बस हम पीछे गिर जाते हैं, क्योंकि लोअर पार्ट अपर पार्ट ये सब थ्योरी की बातें हैं, मैथमेटिकली ये नहीं सिखाया जाता 9th-10th में, भैया तुम पीछे गिरे तुम्हें फोर्स किसने लगाई, तुम कहोगे रीजन इज इनर्शिया, यहाँ तक ओके, फोर्स कितनी लगी 9th-10th का स्टूडेंट बता ही नहीं पाएगा फोर्स कितनी लगी, और ये छुपी फोर्स किसी ने लगाई तो नहीं, छुपी हुई फोर्स है, लेकिन फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इस छुपी हुई फोर्स को क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स, सूडो का स्पेलिंग क्या है, हाँ सूडो फोर्स, पी छुपा हुआ है, साइलेंट छुपा हुआ है, नाम सूडो है, पी साइलेंट, तो ये फोर्स भी छुपी हुई है, क्या नाम रखा ना, सूडो फोर्स, नॉट रियल, पॉइंट समझ में आ रहा है, जैसे इंग्लिश में पी छुपा हुआ है ऐसे ये फोर्स भी छुपी हुई है, पर है, एग्जिस्ट तो करती है, पी एग्जिस्ट तो करता है इसमें, तो ये फोर्स इसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली एक्ट कर रही है जो दिखाई नहीं दे रही, और हमने उसको कंसिडर किया नहीं, हमने अपनी अपनी फोर्स कंसिडर कर ली, तो आंसर तो गलत आना ही था। तो न्यूटन ने ये कहा भैया जब एक्सेलरेशन हो रही हो ना तो आप सीधा मेरा लॉ लगाओगे, आंसर सही नहीं आएगा, क्लियर है, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूसली एक बैकवर्ड फोर्स लग रही है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, तो अगर आप मेरा लॉ लगाना चाहते हो पहले वो सीखो वो सूडो फोर्स कहां एक्ट करती है और कितनी एक्ट करती है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, इसके लिए सबसे पहला काम कि इमेजिन करते हैं कि आपके पास एक ट्रेन है या ये फ्रेम है, तो ये ट्रेन मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 meters per second का स्क्वायर, सिंपल, इसके अंदर एक ब्लॉक है 15 kg का ब्लॉक है, मैंने इसको टच नहीं किया, ट्रेन अगर एक्सेलरेट कर रही है तो ब्लॉक कहां आएगा, आगे जाएगा कि पीछे, अच्छा चाय का कप पी रहा हूं, ट्रेन आगे जा रही है, चाय का कप कहां गिरेगा, पीछे, नहीं, अच्छा ठीक है, एक काम करना आज घर में कहना स्कूटर निकालें या कार निकालें घर वालों को, मैं चाय पी लेता हूं गरम गरम, बस ये बोलना कि आप तेज इस गली के वहां तक ना एक्सेलरेट करने हैं, आपने जोर की रेस जमानी है, चाय का कप अगर डैशबोर्ड पे गिर जाए तो मेरे को बोल देना, आपके कपड़े ही खराब करेगा, गारंटी है मेरी, कैसे करेगा आपके ऊपर भैया, सूड बैग कैसे खिसकता है, अगर ट्रेन इधर जा रही है सुबह बैग कहाँ मिलेगा, ट्रेन के साथ मिलेगा, नहीं पीछे खिसक के पीछे आ जाएगा, राइट। तो सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन है जो दिखाई नहीं दे रही वो फ्रेम की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो रूल नंबर 1, सूडो फोर्स कहाँ एक्ट करती है, जो ट्रेन की डायरेक्शन है एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट, रूल नंबर 1 क्लियर है, तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्लियर है। अब कितनी एक्ट करती है,
किस पे लगी सूडो फोर्स? 15 केजी पे। तो मास कितना लेना है? 15। मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होती है। अब जितनी तेज ट्रेन एक्सेलरेट करेगी उतनी ज्यादा सूडो फोर्स बैकवर्ड एक्ट करेगी। तो एक्सेलरेशन किसकी लेनी है? ट्रेन की। तो कितना आंसर आएगा? 30 न्यूटन। छुपी हुई फोर्स 30 न्यूटन, दिख ही नहीं रही 30 न्यूटन कहां पर है, और हम चले थे न्यूटन का लॉ लगाने बिना 30 न्यूटन के। तो न्यूटन ने कहा था आंसर तो अपने आप ही गलत आना ही है। तुम ये तो देखिए, अभी तो मैं फोर्स लगा ही नहीं रहा इस पे, बिना फोर्स लगाए पीछे खिसक रही है। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो ये एक छुपी हुई फोर्स है जो आप पे एक्ट करती है। अब होगा क्या, कोई बहुत मोटा बंदा खड़ा है, कोई पतला खड़ा है, कोई बहुत ही पतला खड़ा है ट्रेन में, और फ्रिक्शन है नहीं। सोचो अब मास किसी का ज्यादा किसी का कम, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है विद टू, एक बंदा खड़ा है 200 किलो का, एक 150 किलो का, एक 100 का, एक 50 का, क्या जबरदस्त फोर्स लगेगी 200 पे? 200 इंटू ट्रेन की एक्सेलरेशन। तो सोचो बहुत तेजी से पीछे जाएगा, जो 50 किलो है उससे कम फोर्स लगेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सूडो फोर्स उस बॉडी के मास पे भी डिपेंड करती है जो बॉडी पे लगानी है, और एक्सेलरेशन किसकी लेनी है? ट्रेन की। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो एक बात तो पक्की है, अगर हम सारे मिलके एक ट्रेन में चले जाएं और ट्रेन एक्सेलरेट करें विद एक्सेलरेशन 2 m/s², तो सूडो फोर्स सब पे डिफरेंट लगेगी। किसी को झटका ज्यादा लगेगा, किसको झटका कम लगेगा, सब उस पे मास पे डिपेंड करेगा। हम सबका मास एक जैसा है ही नहीं, तो ऑब्वियसली आप रॉड को भी उसी हिसाब से पकड़ेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट? क्लियर है? तो अब अगला क्वेश्चन, इस ट्रेन का मास है 100 kg, बॉडी का मास है 15 kg, बताओ ट्रेन पे सूडो फोर्स कितनी लग रही है? मास क्या लें? एक्सेलरेशन तो इसकी कितनी है? 2। मास क्या लें? कितने लोग बोलते हैं 100 kg, कितने बोलते हैं 115 kg? और कितने बोलते हैं सूडो फोर्स ट्रेन पे लगेगी नहीं? नहीं लगेगी सूडो फोर्स ट्रेन में। भैया ऐसा होने लग गया, ये सही है, मैं बैठा दिल्ली की ट्रेन में, एक्सेलरेट करते हुए दिल्ली जा रही है, और 2 घंटे बाद देखा ट्रेन कहां पर है, ट्रेन तो अभी अम्बाला पहुंची है। मैंने पूछा ऐसा कैसे हो गया, कहते जी सूडो फोर्स लगी थी। ऐसे होता है कभी? ट्रेन जो फ्रेम है उसके ऊपर नहीं लगती, वो फ्रेम अंदर पड़े हुए चीजों पर लगाता है। अगर ये रूम एक्सेलरेट कर रहा है, रूम पे नहीं लगेगी, रूम के अंदर जो सामान है वो पीछे गिरेगा। बात समझ में आ रही है? आप ऊपर रख दें कोई ब्लॉक, उस पे भी लगेगी, अंदर भी लगेगी, फ्रेम पे नहीं लगेगी। तो इसके अंदर देखो, अब वापस आते हैं, ट्रेन पे नहीं लगेगी, क्लियर है? ओके। तो कॉमन प्रॉब्लम है ना, लोग क्या करते हैं यार, ट्रेन पे कार क्वेश्चन दूंगा ना, कार पे लगानी शुरू कर देंगे। भाई कार पे क्यों लगा रहे हो? कार के अंदर जो चाय पी रहे हो ना उस पे लगेगी। तो इसके अंदर न्यूटन का लॉ जब मैंने सीधा लगाया था, ये एक्सेलरेट कर रही है, ये 20 है और ये 1 है, तो फोर्स क्या है? फोर्स लगेगी 20 इज 1 × a'। आंसर गलत आया था। क्यों गलत आया था? क्योंकि आपने इस क्वेश्चन में 20 न्यूटन की फोर्स तो ले ली, पर आपने सूडो फोर्स को कंसीडर नहीं किया जो दिख नहीं रही। तो न्यूटन ने कहा पहले काम करो, 20 न्यूटन की फोर्स तो आप लगा रहे हो, मान गए, पर अंदर ही अंदर ट्रेन इसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगा रही है, सूडो फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी? इस ब्लॉक का मास इंटू ट्रेन की एक्सेलरेशन, यानी कि 1। तो अब वो कहता है क्योंकि आपने सूडो फोर्स ड्यू टू ट्रेन लगा ली, अब ट्रेन नहीं चाहिए मुझे। अब सिंपल क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है,
जिसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स है और 1 न्यूटन सूडो फोर्स है, तो अब दो फोर्सेस ऐड कर रही हैं, अब आपने सारी फोर्सेस को कंसीडर कर लिया हुआ है, आपने एक्चुअल फोर्स भी कर ली, आपने सूडो भी कर ली, तो नेट फोर्स क्या होगी, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे, इज मास इनटू एक्सेलरेशन, आंसर सही आएगा, ये करेक्ट है। तो न्यूटन ने ये कहा कि अगर आपके पास आज के बाद फ्रेम क्या आ जाए, नॉन इनर्शियल, तो मेरा लॉ मत लगाना। तो इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जिनकी एक्सेलरेशन जीरो है, और न्यूटन का लॉ डायरेक्ट लगाओगे आंसर सही आता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जो एक्सेलरेट करते हैं, न्यूटन का लॉ डायरेक्ट लगाओगे आंसर नहीं आएगा। अगर आंसर निकालना है तो आपको इसमें सूडो फोर्स लेनी पड़ेगी, और जब आप सूडो फोर्स लेते हो और न्यूटन का लॉ लगाते हो तो फ्रेम ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, इनर्शियल। तो अगर आप सूडो फोर्स के बिना कर रहे हो तो नॉन इनर्शियल है, तो यानी कि आपका आंसर गलत आएगा। आप सूडो फोर्स लेके कर रहे हो तो फिर अगर आपने सूडो फोर्स ले ली और न्यूटन का लॉ सही लगा दिया तो इसका मतलब आपने ट्रेन को हटा दिया, अब ट्रेन आपको चाहिए ही नहीं क्योंकि ट्रेन की फोर्स आपने ले ली, तो ऐसे केस में ये फ्रेम ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो गया, नॉन इनर्शियल से इनर्शियल। अब न्यूटन का लॉ सही आंसर देगा। तो बेसिकली इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जिनमें एक्सेलरेशन जीरो है उनमें सूडो फोर्स नहीं होती, जो एक्सेलरेटेड मोशंस हैं किसी भी फ्रेम की उसमें सूडो फोर्स होती है, और जब सूडो फोर्स होती है तो आपको सूडो फोर्स कंसिडर करनी पड़ती है ताकि आप न्यूटन के लॉज लगा सकें और सही आंसर निकाल सकें। तो इसका मतलब न्यूटन के लॉज कहाँ सही लगते हैं, इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल में गलत आंसर देते हैं। पर अगर आप नॉन इनर्शियल में सूडो फोर्स को ले लें तो सही आंसर देगा न्यूटन का लॉ। तो सूडो फोर्स लेने के बाद वो नॉन इनर्शियल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनर्शियल। तो अब आज के बाद अगर कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें कार ट्रेन एक्सेलरेट कर रही हैं, अंदर एक बक्सा पड़ा है, सबसे पहले उस पर क्या लगानी पड़ती है, सूडो फोर्स। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, नहीं तो आंसर गलत आएंगे। प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगा, टाइम के साथ यही प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर का यही काम है, तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रैक्टिस सर आ जाएगा। इसमें अगर एक कंटेनर पड़ा है पानी का और कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रॉली मूव कर रही है तो ऐसे केस में पानी नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन अगर आप ट्रॉली एक्सेलरेट कर रही है तो पानी पीछे की तरफ हो जाएगा क्योंकि इस पे क्या लगेगी, सूडो फोर्स। पेंडुलम लटका हुआ था हवा में, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ट्रॉली मूव कर रही है, कोई फोर्स नहीं लगेगी, सूडो एक्सेलरेशन जीरो थी, पर अगर ये ट्रॉली एक्सेलरेट करेगी तो सूडो फोर्स पीछे एड करेगी, 2 into कितना 1 2 न्यूटन, तो पेंडुलम ऐसा नहीं दिखेगा, पेंडुलम ऐसा हो जाएगा, क्लियर है, होता ही है ना, अब आगे करते हो पेंडुलम पीछे हो जाता है बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, क्लियर है यहां तक।